Hey guys, welcome back to my channel, guys. तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पूरे पंजाब का एक हिडन स्ट्रीट फूड जो आई गेस सिर्फ यहीं पर ही मिलता है. जैसे ही हमें पता लगा हमने कहा क्यों ना खाया जाए, टेस्ट आपको भी दिखाया जाए. और ज़्यादा देरी ना करते चलते अंदर दिखाते हैं वो कौन सा फूड जो है रहने वाला है जिसका हम सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था गाइज. तो गाइज़ आप देख सकते हो टिक्कियों को जो है हाफ डन करके रखा जाता है और डिमांड इतनी ज़्यादा है गाइज़, एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है ये उसको जो है ना फुल डन करके जो है सर्व करते रहते हैं. तो गाइज़ ये देखिए ये प्रिपेयर हो रही है टिक्की. बेसिकली आलू के लच्छे की टिक्की को जो है ये लोग प्रिपेयर करते हैं, देन इसको जो है देसी घी में जो है फ्राई करते हैं. ये हो रही है हमारी टिक्की जो है रेडी एकदम गर्मा गर्म. इसको जो है ना सुपर क्रंची होने तक जो है ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करा जाता है. क्या क्या रहता है टिक्की के अंदर? चने की दाल रहती है इसमें, मटर दाना रहता है इसमें, जो हमारे मसाले होते हैं वो रहते हैं इसमें. और आलू के लच्छे से प्रिपेयर करते हैं ना? हाँ, कद्दूस करते हैं इसको. आलू ये टिक्की बाहर आ गई इस टाइम, प्लेट लगाने जा रहे हैं. आलू का पत्ता होता है ना, आलू का. ये गाइस टिक्की को देखिए आलू के पत्ते पे सर्व करते हैं. तो टिक्की लगाने जा रहे हैं हमें, ये मसाला लगा दिया. कौन सा मसाला रहता है ये? मिक्स होता है हमारा इसमें सारा, खुद इसमें होता है लहसुन, वो क्या कहते हैं इसमें, लौंग इलायची वगैरह मसाला सारा होता है. ये चटनी जा रही है पुदीने धनिया वाली चटनी, ये चटनी होती है अमचूर की हमारी. ये दही होता है हमारा, अपना दही बनाते हैं. ये मूली, ये खीरा, ये गाजर का अचार हम बनाते हैं अपने. हमारी टिक्की रेडी है, करते हैं भाई हम लोग टिक्की को जो है ना टेस्ट. इतनी गर्मा गर्म इतनी मज़ेदार है ना, सच बताऊँ मेरे से रहा नहीं जा रहा. जब ये प्रिपेयर हो रही थी ना यार, मुंह में आ रहा था इतना सारा पानी. सो अमेजिंग, क्रिस्पी क्रंची एकदम. अंदर जो है ना दाल का एक क्रिस्पीनेस है और ऊपर से जो उन्होंने टिक्की को फ्राई करा ना, सुपर क्रिस्पी क्रंची. और इनका जो है ना गाइस ये गाजर का अचार अल्टीमेट. मेन इसमें जो है ना इनके अमचूर की चटनियों का जो तीखापन है ना और इनके मसाले की जो रिचनेस है वो ना इस टिक्की में जो है चार चांद लगा रहे. सच में अमेजिंग टेस्ट है. और यार बेस्ट थिंग इज आलू के लच्छे से प्रिपेयर करी जाती है, अमेजिंग है. लोग यहाँ पर ज़रूर आना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको यहाँ का टेस्ट कैसे का लगा. हम लोगों की गाइस कोशिश यही होती है आप लोगों के लिए हम चुनिंदा चुनिंदा की बढ़िया बढ़िया लोकेशंस लेके आएँ जहाँ पे आके आपको भी मज़ा आए और हमको तो आपके लिए वीडियो बना के मज़ा ही बहुत ही ज़्यादा आता है. ये बल्ले होते हैं मूंगी दाल के, खुद प्रिपेयर करते हो? ये खुद होती है, दाल भी खुद भगोते हैं, पीसते भी खुद हम. ये आलू चने, ये पापड़ी आ गई हमारी, पापड़ी भी खुद बनाते हैं. दही आ गई, चटनी आ गई अमचूर वाली, ये पुदीने वाली चटनी आ गई, ये मसाला अपने वाला, ये चुकंदर और गाजर चाट. आलू के पत्ते में ये लोग चाट सर्व करते हैं, ये सिर्फ लुधियाना में मिलती है, अमेजिंग है यार. करते हैं इसका टेस्ट. मज़ेदार है यार, भल्ला इनका टेस्ट करते हैं. सो क्रिस्पी स्पॉन्चीनेस, अमेजिंग. और इनका गाइज ये जो बेसिकली मसाले रहते हैं ना ये जो यूज़ करते हैं इसमें, उसका तो यार क्या ही कहना, मज़ा आ गया. इसकी जो चटनी है ना, इनका जो फ्लेवर का टेस्ट है ना वो है साइलेंट, बट जब हम उसको टेस्ट में ले रहे हैं ना तो अमेजिंग टेस्ट दे रहा है. चार चांद लगा रहा है और दही यार, सो थिक रिचनेस, अमेजिंग. नेक्स्ट है हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट आइटम, मेरठ का स्पेशल इनके यहाँ का जो है ना मटर कुलचा. ये हो रहा है हमारे गाइस कुलचे जो है प्रिपेयर. ये कुलचे हम खुद बनाते हैं अपनी तरफ से, ठीक है. ये आटे के रहते हैं या मैदे? मैदे के रहते हैं, मैदा सूजी मिक्स होता है इसमें. ये आप देसी घी लगाते हैं कुलचे को, देसी घी में जो है इनको अच्छा सा शैलो फ्राई करना. हाँ जी हाँ जी. ये मटर लगने जा रही है हमारी, इसमें हमारा जो मसाला होता है वो गिरता है, येलो दाल गिरती है. इसमें प्याज लहसुन रहता है? अलग रहता है प्याज, अलग रहती है हमारी इसमें. ये लगने जा रही है मटर में, ये हमारी प्याज,
धनिया, गाजर का अचार हमारा अब बनाते हैं, ये आमले का अचार भी हम बनाते हैं। अचार जो आप अपनी हर चीज़ के साथ सर्व करते हैं? हाँ जी हाँ जी, ये प्लेट से लग गई कुलचा हमारा गर्म है। कुलचे को एकदम गर्मा गर्म सेक के फिर सर्व किया जाता है ना। कितना टाइम हो गया इस शॉप को यहाँ पे? ये हो गए 1.5 साल हो गए हमको। पहले शॉप आगे रहती थी ना हमारी, हमारी लवली के साथ में, फिर हम आगे ले गए। ये प्लेट तैयार हो गई है। तो देखो भाई आ गया हमारा मटर कुलचा। कुलचे की जो है ना गाइज, आप लोग वो चेक करो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश फ्रेश है। करते हैं इसको जो है टेस्ट। अमेजिंग है यार, मटर में जो है ना एकदम माइल्ड से फ्लेवर है, वो टमाटर की एक टैंगीनेस, अमेजिंग। और मैं एक बात बोलूँगी, मैंने मटर कुलचा एज अ फूड ब्लॉगर भी और बिफोर फूड ब्लॉगिंग भी बहुत जगह टेस्ट किया, बट दिस वन इज़ द बेस्ट, बिकॉज बिल्कुल भी जो है ना खा के ऐसे भी नहीं हो रहा हाँ कितना हैवी हो गया, नेवर। एकदम सॉफ्ट स्माइल्ड फ्लेवर, एकदम लाइट वेट है, अमेजिंग। करते हैं इसको ना इनके आमले के अचार के साथ। मज़ेदार है, एक ही वर्ड याद आ रहा है, मज़ेदार। सच में गाइस मुझे तो मज़ा आ गया। मेरी इस वीडियो में जो जो भी फूड आइटम्स देखी सभी का जो प्राइस रहेगा मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में। लोकेशन का मैं आपको बता देती हूँ, लोकेशन है गाइस आज हम लोग आए हैं शिव चाट भंडार में, सिविल लाइंस में इनकी लोकेशन पड़ती है। बाकी लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ओल्ड DMC के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में लोकेशन है, लुधियाना में। गाइज मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। कोई लोकेशन जानते हो प्लीज़ यार कमेंट बिलो। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में हम लोग जस्ट आपके लिए, आपको कुछ बढ़िया सा दिखाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।